हाय गाइस, मेरा नाम सागर आर चौहान है एंड कैसे हो आप लोग। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ बिकॉज़ पता नहीं, जितने भी वीडियोस मैं आजकल बना रहा हूँ बहुत सारे लोग उसको देख रहे हैं एंड कमेंट सेक्शन में थोड़ा थोड़ी कमी है, लेकिन डेफिनेटली इंस्टाग्राम पे मुझे थोड़े बहुत बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं। एंड एक चीज़ मैं सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ आज, जो कि मेरे लाइफ में, मैं फ़िलहाल तो अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मे बी 1 महीने से अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इशूज़। एंड लेकिन ये जो चीज़ है ना, दिस हैज़ ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज हेल्प मी टू गेट अचीव ड्रीम इन्वेंट आइडिएट विजुअलाइज एवरी थिंग वॉट आई रिक्वायर इन दिस लाइफ, एंड दैट इज़ वेकिंग अप एट 4 AM। जो 4 AM सुबह सुबह हम लोग उठते हैं, मेरा एक रिचुअल था कि मैं रात को अप्रॉक्सीमेट 10:30-11 बजे सोता था एंड आई वुड गेट अप अराउंड 4 से लेके 4:15 के बीच में। एंड ये एक गलती हुई थी मेरे से कि मुझे एक्चुअली निकलना था कहीं। एक टाइम पे जब मैं एक डांसर था, आई यूज़ टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग बिकॉज मेरे हमारे अर्ली फ्लाइट होते थे। तो दैट इज़ द टाइम व्हेन मे बी वन डे आई गॉट अप एट 4 AM एंड फिर मुझे वो अच्छा लगा बिकॉज देर इज़ नो वॉइस, देर इज़ नो नॉइज़, देर इज़ नो हॉन्किंग, देर आर ओनली बर्ड्स। एंड वो टाइम को जैसे जैसा जैसा मैं आगे बढ़ते गया एंड आई स्टार्टेड गेटिंग अप, आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि मेरे अंदर ना एक फिजिकली मेंटली एक चेंज हो रहा है। आई एम गेटिंग ड्रिवन टू, आई एम ट्राइंग, आई वुड से आई एम मेटामॉर्फोसिस, या कि मेरे विचारधारा में या मेरे जैसा मैं सोचता हूँ, जैसा मैं देखता हूँ, जैसा मैं बिहेव करता हूँ, जो कुछ भी मैं विजुअलाइज और आइडिएट करता हूँ, मेरे वही डे में मेरे पास ऐसे ऐसे चीज़ें मेरे पास आ जाती है बिकॉज ऑफ विच मैं वो चीज़ें कर पाता हूँ। एंड फिर मैंने एक आदत लगाई कि मैं ये टाइम पे ना जितना हो सके उतना मैं ज़्यादा से ज़्यादा उठने की कोशिश करूँगा। एंड बिकॉज आई स्टार्टेड गेटिंग अप अर्ली, मैं जल्दी उठना चालू किया। आई वुड से कि मुझे दिन में 24 आवर्स भी कम पड़ते थे, 24 घंटे भी कम पड़ते थे, लेकिन जैसा जैसा मैं सुबह उठना चालू किया, आई रियलाइज़ कि मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा आर्स है। जैसे 4 AM को उठ के बहुत सारा मैं, यू नो, आई वुड फिनिश माई वर्कआउट, 1-1.5 घंटे का वर्कआउट ख़त्म हो गया बिकॉज मैं जहाँ पर रहता हूँ, मेरा जिम यहाँ से आई थिंक 25-30 मिनट दूर है, बट बिकॉज मैं जल्दी उठता हूँ, माई जिम ओपन अराउंड 5 o'clock, आई वुड सेव ऑन ट्रैवलिंग। मतलब मैं 6-7 मिनट में पहुँचता हूँ, 6-7 मिनट में वापस आता हूँ। सो मेरे लिए वो एक, मतलब एक्स्ट्रा 1 घंटा मिल गया, जाने का 20-25 मिनट, आने का 20-25 मिनट, वो एक बहुत अच्छा चंक मेरे हाथ में बचता था। सो आई वॉज लाइक कि मुझे ना जल्दी से जल्दी उठना है। एंड आई रियलाइज कि जैसा जैसा मैं उठते गया वैसा वैसा ना मेरी लाइफ स्टाइल, मेरा 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 रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा आई वुड से मच्योरनेस, मेरा विजुअलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा चेंज होने लगा। सो दिस आर सम दिस देर आर सम पॉइंटर्स विच आई थॉट कि मैं आपके साथ बात करूँ, और आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आए जो मैं कह रहा हूँ। बट बिफोर वी स्टार्ट गाइज, प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज़ हिट द बेल आइकन, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन हाउ आई कैन इम्प्रूव। सो बेसिकली 4 AM से लेके 4:30 AM, इट इज़ बेसिकली मेजरली लोग उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। वाई? बिकॉज इट इज़ द आर ऑफ क्रिएशन। सो उसको एक अच्छा सा नाम दिया है, ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म जी जो हमारे क्रिएटर है वर्ल्ड के इन हिंदुइज्म। सो वो टाइम को ना ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। सो जितने भी लोग, अगर आप देखेंगे, जितने भी क्रिएटिव लोग हैं, जितने भी CEOs हैं, जितने भी बड़े बड़े बिजनेस लोग हैं, वो जल्दी उठते हैं बिकॉज एवरीबडी थिंक्स की यहाँ पे, बिकॉज देर इज़ नो डिस्टर्बेंस, वी आर सराउंडेड बाय सो मेनी मोबाइल्स, एप्स, नोटिफिकेशन, दैट कभी कभी लगता है यार हम लोग उनसे, वो चीज़ों से भाग भी नहीं सकते हैं और वो चीज़ों को छोड़ नहीं सकते हैं। सो गेटिंग अप अर्ली गिव्स अस अ चांस टू कनेक्ट विथ योर सेल्फ, कि आप ज़रा बैठ के खुद से सोच सको कि तुम्हें क्या करना है ज़िंदगी में, कैसे आगे बढ़ना है, वॉट आर योर ड्रीम्स। एंड इमेजिन आप सुबह सुबह बैठे हो, मतलब मे बी आफ्टरनून में बैठे हो एंड आप कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपका फ़ोन बजते जा रहा है, क्या करोगे, आप कुछ नहीं कर सकते। सो ये टाइम इज़ अ प्लेस वेर यू कैन डिसकनेक्ट विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। एंड यहाँ पे जितने भी आप देखोगे, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लोग, बहुत ज़्यादा CEOs, इतने लोग हैं, जितने भी लोग यहाँ पे उठते हैं सुबह, दोज आर बेसिकली पीपल जिनको जिनको पूरे दिन में ना एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना है। यस, ये टाइम पे इतने ज़्यादा लोग उठते हैं जो लाइफ का ना इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं, ये नोटिस कीजिएगा।
बेसिकली आप उठ के 30 मिनट्स ऑफ रीडिंग अगर आप करते हो ये टाइम पे तो बहुत ही अच्छा है, बिकॉज तुम्हारी आपकी जो आइडिएशन, विजुअलाइजेशन, सोचने की जो क्षमता है मेरे हिसाब से बहुत बड़ी होती है, बड़ी हुई होती है ये टाइम पे। सो जितना आप पढ़ते हो यू स्टार्ट यू नो विजुअलाइजिंग, आइडिएटिंग, थिंकिंग, ड्रीमिंग, क्रिएटिविटी जो स्ट्रीक होती है वो ये टाइम पर थोड़ी अनलॉक हो जाती है। सो ट्राई रीडिंग एटलीस्ट फॉर 30, 35, 40 मिनट्स। अगर आप वर्कआउट कर सकते हो 1 घंटे का तो वो बहुत ही अच्छा है, बिकॉज आफ्टरनून में अगर आप जाओगे आफ्टरनून में आपको जिम पे लोग मिलेंगे, थोड़ी बहुत बात बात करेंगे आप उनके साथ। एट द सेम टाइम अगर जिम फुल है तो जो जो वर्कआउट आपका 40, 50, 1 घंटे का है वो कभी कभी 1-1.5 घंटे तक जा सकता है। सो वाई वेस्ट टाइम, सो गो अर्ली इन द मॉर्निंग, फिनिश इट ऑफ। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे जिम नहीं करना है तो एटलीस्ट 25, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स आप वॉक कर सकते हो या हॉप कर सकते हो। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू, जितना आप जल्दी सुबह सुबह वर्कआउट चालू करते हो ना, देर इज़ अ पंप ऑफ रश ऑफ ब्लड इन साइड योर बॉडी, बिकॉज ऑफ विच आप डेफिनेटली दिन में पूरा एनर्जेटिक महसूस करोगे। आई वुड सजेस्ट कि ये वर्कआउट करना, यू नो बुक पढ़ना, बहुत सारे लोग यहाँ पे आइडिएट करते हैं, मैं ये चीज़ कहूँगा कि आप ना ये टाइम पे ना कुछ क्रिएट करने की सोचिए। क्रिएट मतलब लेकिन जैसे कि अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो आप अपना दिन डिसाइड करो कि आपको ये सारी चीज़ें शूट करनी है। अगर वो शूट करने का टॉपिक आपने लिखा है तो उसका स्क्रिप्टिंग पे आप काम कीजिए, दैट विल एक्चुअली हेल्प यू। एज अ बिजनेस पर्सन आपको ये सोचना है कि आप स्ट्रैटेजीज कैसे बना सकते हो ये टाइम पे। लॉट ऑफ जितने मेरे दोस्त भी हैं, जितने भी दोस्त मेरे बिजनेस में है, वो ये टाइम पे उठ के ना मेजरली स्ट्रैटेजी प्लानिंग, मार्केटिंग प्लानिंग, यू नो अगर उनको अगर लोगो चेंज करना है, मेरा एक दोस्त है, आई डोंट वांट टू नेम हिम, वो सुबह उठ के ना जब उसको अपना कंपनी का लोगो बदलना था तो सुबह उठ के मतलब 3, 4, 5, 6 दिन उठ के ना वो लोगो डिज़ाइनिंग की कोशिश करता था। ही वुड ट्राई एंड सी लॉट ऑफ लोगोज एंड डेफिनेटली उसका लोगो काफ़ी अच्छा बाहर आया है। सो ट्राई गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर आपको ऐसे छोटे छोटे वीडियोज अच्छे लगते हैं ऑन डेली लाइफ स्टाइल, डू लेट मी नो, आई विल ट्राई एंड मेक दैम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, डू हिट द बेल आइकन, डू सब्सक्राइब योर चैनल एंड डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन हाउ आई कैन इम्प्रूव। बाय।